हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल पाटिल अमोल फाइन आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है दिया स्टैंड, दिवाली के लिए दीपमार कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये वेस्टेज पुट्ठा लिया हम लोगों ने, राउंड सर्कल शेप में कट किया, उसके बेस के लिए स्क्वायर पुट्ठे को डेकोरेटिव करने के लिए आप कोई भी कलर पेपर यूज कर सकते हो। अभी हमें दीपमाल का स्टैंड बनाना है तो इसके लिए एक थिकनेस की ज़रूरत होती है, तो एक वेस्टेज बॉक्स मैंने यूज़ किया, उसके ऊपर ये कट किया हुआ सर्कल पेस्ट किया। सर्कल के ऊपर रेड कलर का डिज़ाइन पेपर पेस्ट किया। सेम यही पेपर यूज़ करना चाहिए या पेपर ही यूज़ करना चाहिए ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं, आप कलर भी कर सकते हो। पेपर के तीन स्टैंड के लिए तीन रोल हम लोग बना लेते हैं पाइप जैसे। ये तीन साइज के तीन रोल हम लोगों ने बना लिया, उसके ऊपर अभी येलो कलर का हैंडमेड पेपर हम लोग पेस्ट करेंगे। यहाँ पे भी जरूरी नहीं आप हैंडमेड पेपर ही यूज करना चाहिए, आपके पास जो भी कलर पेपर हो वो यूज कर सकते हो। मैक्सिमम घर पे जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज करना है। एक रोल के लिए ब्लू कलर का पेपर पेस्ट किया। दिया रखने के लिए बेस के लिए हम लोग ये राउंड शेप कट कर लेते हैं पुट्ठे के ऊपर। बिल्कुल वेस्टेज पुट्ठा है ये। एक स्टैंड के लिए हम लोग पान का शेप देते हैं। ये ब्लू कलर का स्टिकर पेपर है, ये ब्लू कलर का स्टिकर पेपर हम लोग दोनों सर्कल जो कट किया है उसके ऊपर पेस्ट करते हैं, और आउटर शेप जो है ब्लू कलर स्टिकर का वो कट कर देते हैं। इस तरह से दोनों बेस हमारे रेडी हुए। अभी एक स्टैंड के ऊपर हम लोग पान का शेप रखेंगे, इसलिए उसे ग्रीन कलर का पेपर पेस्ट किया, आप ग्रीन कलर का कलर भी कर सकते हो। अभी जो हमारे पास दिए हैं उनको एक व्हाइट कलर का बेस कलर हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये व्हाइट बेस कलर करने से इसके ऊपर जो हम लोग कलर अप्लाई करेंगे उसको एक शाइन आएगा। ये पल कलर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसके लिए गोल्डन येलो अभी कलर हम लोग यूज कर रहे हैं। पे एमराल्ड ग्रीन मैं यूज कर रहा हूं। इन दिए को भी आप यही कलर देना चाहिए ऐसा नहीं है, आप अपने ऑन चॉइस से कलर सिलेक्ट कर सकते हो। ये डीप रोज कलर है। ये वायलेट कलर, ऐसे ही फिनिशिंग में आप कलरफुल दिए कलर कर लो।
से ही दिए पेंटिंग का एक वीडियो इसके पहले इस चैनल पे अपलोड किया गया है, आप वो भी देख सकते हो। ये सभी दिए को मैंने पर्ल कलर यूज़ किए हैं, इसलिए ये दिए थोड़े शाइनी हैं। एकदम ब्यूटीफुल दिए हमारे कलर करके रेडी हुए। अभी हम लोगों ने जो स्टैंड किए हैं उसे हमें डेकोरेटिव करना है। ये स्टैंड के जो पिलर है उनको अभी हम लोग लेस यूज़ करके डेकोरेटिव करेंगे। पिलर का बेस येलो कलर का है, इसके लिए येलो कलर का कॉन्ट्रास्ट कलर वायलेट, इसलिए यहाँ पे मैं वायलेट कलर का लेस यूज़ कर रहा हूँ। मिडल में ऑरेंज कलर का लेस, फेविबॉन्ड से अगर आप पेस्ट करोगे तो इजी पेस्ट होता है। फेविकॉल से ये पेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए फेविबॉन्ड यूज करो। ये दो पिलर हमारे रेडी हुए। अभी स्काई ब्लू कलर का जो पिलर है उसके लिए भी सेम यही लेस हमें पेस्ट करना है। पिलर के ऊपर जो गोल है आप देख रहे हो बेस, उसे भी हम लोग साइड से लेस लगा लेते हैं। इसके लिए लेस ही लगाना चाहिए, ऐसा नहीं, पेपर का बारीक स्ट्रिप कट करके भी आप पेस्ट कर सकते हो। डेकोरेशन करने के लिए आप लेस, मोती, माल यूज कर सकते हो। जो सर्कल मेन बेस है हमारा, उसके ऊपर हमें पत्ते दिखाने हैं, तो हम लोग छोटे छोटे पत्तों का आकार कट कर लेते हैं। उसे गोल्डन 3D आउटलाइनर से आउटलाइन करते हैं। आप वीडियो में देख रहे हो उसी टाइप से आपको प्रैक्टिकल करना है। सभी पत्तों को इस तरह से हम लोग आउटलाइन कर लेते हैं। ये गोल्डन 3D आउटलाइनर है, आप अलग कलर का भी 3D आउटलाइनर यूज कर सकते हो। हमारे दीप स्टैंड के ऊपर शुभ दीपावली ये मैसेज हमें देना है। से भी डेकोरेट किया। अभी जो पत्ते हैं उसे हम लोग पेस्ट करेंगे। उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेस, ये देखिए घर पे ही एकदम इजी दिवाली का दीप स्टैंड हमारा रेडी हुआ। बच्चों का क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसे चीजें घर पे बनाना बहुत जरूरी होता है। बहुत ही कलरफुल और डेकोरेटिव दीप स्टैंड हमारा रेडी हुआ। आप लोग भी अपने घर पे ऐसा दीप स्टैंड बनाएं और
हमारे दिवाली के दिन उसके ऊपर दिए जलाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाजू का बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।